गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप सबके? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सबको मालूम ही है कि हमारे लॉज में हर सिटीज़न को कोई भी किसी भी तरह के उसके साथ अगर इनजस्टिस होता है तो उसको उसके लिए वो कोर्ट का रुख कर सकते हैं। तो कोर्ट में जाने के लिए आपको मालूम ही है कि वकीलों की फीस से काफ़ी महंगी हैं। जो पावरफुल व्यक्ति है या जिसके पास पैसा है वो तो अफोर्ड कर लेगा फीस, लेकिन जो डिप्राइव्ड सोसाइटी की है या जिसके पास पैसा नहीं है वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो उसमें क्या होता है, अगर उसकी कोई प्रॉब्लम है तो वो कोर्ट में नहीं जाके वो कैसे सॉल्व करेगा? तो इसका मतलब तो वो वंचित रह गया अपने अधिकारों से। तो लॉ में फैसिलिटेट कर रखा है 39A आर्टिकल से कि किसी भी डिप्राइव्ड सोसाइटी के मेंबर को जो पुअर फैमिली को बिलोंग करता है उसको कोर्ट की तरफ से, सरकार की तरफ से एक लीगल एड प्रोवाइड की जाए सो दैट वो अपना केस को रिप्रेजेंट कर सके। तो इसको हम लीगल एड कहते हैं, इसको हम आर्टिकल 39A भी कह सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में ये बहुत अच्छी प्रोविज़न दे रखी है ताकि कोई भी सिर्फ पैसे की वजह से ये ना हो कि वो अपना केस प्लीड ना कर सके और उसको जस्टिस ना मिल सके। ये आर्टिकल जिस टाइम 1950 को भारत का संविधान बनाया गया था उस टाइम नहीं था, 1976 में 42nd अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड किया गया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना ना भूलें। साथ साथ बेल के आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।